नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। जनपद आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में बीती रात गोली मारकर संगीत कलाकार 23 वर्षीय आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुशील उर्फ गोल्डी यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी हरिहरपुर पर सिर में गोली मारकर हत्या का आरोप था। हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तेवर में नजर आ रही है। आज दिन में राजस्व विभाग की टीम न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल दुबे और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नक्शा की छानबीन की। मामले में हत्यारोपित के परिवार ने 28 एयर की पोखरी पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद दो जेसीबी मौके पर पहुंची और बाउंड्री, पशुशाला, दो कमरों, शौचालयों को ढहाने के साथ ही पोखरी का गड्ढा भी खोदा गया। इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा रही। बता दें कि इस घटना में पुलिस ने रात में ही दो युवकों को हिरासत में ले लिया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में मृतक के पिता ने हरिहरपुर गांव के सुशील उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव सहित चार लोगों के खिलाफ पुत्र की हत्या कर देने के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना का कारण यह भी बताया जा रहा है कि परिवार की लड़कियों व महिलाओं पर छींटाकशी का विरोध करने पर आदर्श की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई पुलिस की चारों टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।